व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। गाइस, वन प्लस की तरफ से जो ना वो जबरदस्त डिवाइस लॉन्च होने वाले हैं, मतलब वन प्लस 10R है, वन प्लस नॉट सीई 2 लाइट वर्जन है, वन प्लस के जो 2WS ईयरबड्स है वो है। तो अभी जो है ना इनका लॉन्च होना बाकी है, लॉन्च निकल के आई है 28th of April को। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वन प्लस की तरफ से एक और न्यूज आ रही है कि एक और डिवाइस जो ना दोस्तों वो लॉन्च हो सकता है, जो कि है वन प्लस एस। जी हाँ, ये एक 5G डिवाइस है। और कैसे रह गए डिवाइस, इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशंस आउट हुए हैं, साथ ही में जो इसके अनऑफिशियल रेंडर्स है दोस्तों वो आए हैं, और मुझे रेंडर्स के हिसाब से फ़ोन एकदम ज़बरदस्त लगा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि भाई किस तरीके के इसके रेंडर्स होंगे, किस तरीके का इसका डिज़ाइन होगा, इसके सारे स्पेसिफिकेशंस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दोस्तों एक मतलब बेकार न्यूज़ भी मैं बोलूँगा, वो ये है कि ये भी एक रीब्रांडेड वर्जन है। अब वन प्लस एस जो है वो कौन से डिवाइस का रीब्रांडेड वर्जन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इसके डिजाइन के बारे में। तो यहां पर गाइज अगर मैं इसका एक डिजाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, हम रेयर में देखेंगे जो कैमरा मॉडल में देखने के लिए मिलता है वो ट्राइंगल शेप में देखने के लिए मिलता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूंगा तो वीवो V20 और 21 सीरीज का जो कैमरा मॉडल था बिल्कुल वैसा जो ना कैमरा मॉडल हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इसमें शार्प एजेस जो ना हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईफोन के जो डिवाइसेस है उसमें आते हैं। तो यहां पर हो सकता है लगभग जो है ना ये आईफोन के जैसा इसमें हमें डिजाइन देखने के मिले। वहीं पर दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें फ्लैट डिस्प्ले में देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत ही कम बेजल में देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे जबरदस्त चीज मुझे ये लगी है कि जो इसमें चिन है दोस्तों वो इतना नोटिसेबल नहीं है जैसे कि जनरली दूसरे डिवाइसेस में होता है। इसमें जो चिन है वो भी एकदम लेस बेजल का है। तो यहाँ पर गाइज डिज़ाइन के हिसाब से मैं यही बोलूँगा मुझे डिवाइस एकदम ज़बरदस्त लगा है। वैसे ऑब्वियसली जब फ़ोन इन हैंड आता है तो उसके बाद में एक अलग फील हो जाता है, तो तब की तब देखेंगे। लेकिन इस बार दोस्तों इमेजेस में देख के तो ऐसे लग रहा है कि डिज़ाइन जो है फ़ोन का एकदम ज़बरदस्त हो सकता है, और लगभग कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं पर ये आईफोन के जैसे डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर आगे मैं दूसरे फीचर्स के हिसाब से बात करूंगा तो सबसे पहले बात कर लेता हूं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड ये लीक है कि इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है, साथ ही में इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों वन बाय वन जो मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो आप उससे गेज करना कि भाई कौन सा ऐसा नया डिवाइस है, कौन सी कंपनी का है जिसका ये रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। मतलब जब तक वीडियो एंड होता है, एंड में तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूंगा कि किसका रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन यहां पर एक आप आइडिया लगाने की कोशिश करना कि भाई कौन से डिवाइस के रीब्रांड वर्जन हो सकता है। साथ ही में दोस्तों फटाफट बात करूंगा कैमरा फीचर्स के हिसाब से। तो हमने डिजाइन में देख लिया था कि इसमें ट्रिपल सेटअप हमें देखने को मिलता है, उसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलता है, जो सेकेंडरी लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है जिसमें 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आपको मिलता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो सेंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं ऑनेस्टली बोलूँगा गाइस, जिस प्राइस रेंज में डिवाइस लॉन्च हो रहा है ना, मतलब प्राइस मैं आपसे बात करूँगा एंड में ऑब्वियसली, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये बोल देता हूँ कि जिस प्राइस रेंज में डिवाइस लॉन्च हो सकता है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से कैमरा स्पेसिफिकेशंस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। इसमें जो कैमरा है 16 मेगापिक्सल से सेल्फी, वो एटलीस्ट 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर में देखने के लिए मिलना चाहिए था। जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है वो एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल का होना चाहिए था। अब यहां पर कैमरा क्लैरिटी तो ऑब्वियसली जब फोन आ जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जब यहां पर लेंसेज है ऐसे तो फिर उसके बाद में क्या बोल सकते हैं अभी। अब दोस्तों बात करूंगा फटाफट हार्डवेयर फीचर्स को लेके। जी हाँ, परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस एकदम ज़बरदस्त हो सकता है। वन प्लस की स्टार्टिंग से ये चीज़ की स्ट्रेटेजी रही है कि उसको एकदम हार्डवेयर ओरिएंटेड फ़ोन जो है ना वो निकालना होता है। यहाँ पर गाइज ये डिवाइस डायमेंसिटी 8100 चिपसेट के साथ में आता है, 5nm की चिपसेट ये होगी। डायमेंसिटी 800 जो है ना दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी चिपसेट है। अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हो स्नैपड्रैगन 888 से तो पता लगेगा कि लगभग स्नैपड्रैगन 888 के बराबर का लेवल का जो है ना दोस्तों परफॉर्मेंस देती है ये चिपसेट। तो यहां पर परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि डिवाइस एकदम आउटस्टैंडिंग रहेगा। अगर बात करूंगा दोस्तों मैं रैम के हिसाब से, वेरिएंट्स के हिसाब से, तो इसमें 8GB और 12GB दोनों रैम वेरिएंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहां पर भाई अगर आप गेमिंग के हिसाब से इस फोन को परचेज करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये फोन एकदम बेस्ट रहेगा आपके लिए। फाइनली दोस्तों अब बचा है बैटरी और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर बैटरी के हिसाब से लीक्स ये है कि इसमें 4500 mAh की बैटरी हमें देखने के लिए मिलती है, साथ ही में 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसमें मिल जाती है। लेकिन ऐसी न्यूज़ है कि कंपनी जो है वो 80 वॉट का चार्जर जो ना दोस्तों बॉक्स में शिप करेगी। मतलब 150 वॉट का चार्जर आपको नहीं मिलेगा, आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन यार 80 वॉट भी कुछ कम नहीं होता, 80 वॉट भी बहुत
मतलब बहुत ज्यादा होता है चार्जिंग के हिसाब से देखेंगे तो। साथ ही में इसमें एंड्रॉइड 12 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब यहां पर गाइस देखिए, रीब्रांडेड वर्जन के हिसाब से मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये रीब्रांडेड वर्जन है Realme GT Neo 3 का। जी हाँ, अगर आपने ज़रा सा अंदाजा लगाया होगा तो आपको पता लग गया होगा, सारे स्पेसिफिकेशंस दोस्तों इसमें सेम मिलते हैं, वही जो Realme GT Neo 3 में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर 5000 mAh की बैटरी में मिलती है, यहाँ पर लीक्स ऐसी है कि 4500 mAh की बैटरी मिल रही है। लेकिन ये भी जो है ना दोस्तों वो ठीक है, वहाँ पर भी 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिली और यहाँ पर भी लीक्स है कि 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है ना वो मिल सकती है देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में OnePlus को हो क्या गया यार, बैक टू बैक रीब्रांडेड वर्जन, OnePlus 10R रीब्रांडेड वर्जन, OnePlus Nord CE 2 Lite रीब्रांडेड वर्जन, अब ये OnePlus Ace रीब्रांडेड वर्जन, मतलब क्यों रीब्रांडेड वर्जन यार? इससे अच्छा कंपनी अगर कोई अपना प्रोडक्ट निकाले ढंग से, एक यूनिक प्रोडक्ट निकाले तो अलग बात हो जाती थी, लेकिन अब क्या करें, अगर आपको इस फोन में जाना है या आपको Realme GT Neo 3 में जाना है, आपको बस कंपनी चेंज करनी है, बाकी आपको स्पेसिफिकेशन सेम मिलेंगे। अगर आप OnePlus के फैन हो तो ऑब्वियसली आप OnePlus की तरफ ही जाओगे, बाकी और मैं क्या बोल सकता हूं यार। तो भाई ये तो हो गए सारे स्पेसिफिकेशंस जो इस डिवाइस से रिलेटेड अभी तक लीक हुए थे, रेंडर्स भी हो गए सारे, फीचर्स स्पेसिफिकेशंस भी मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं। फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। अब यहां पर ऑब्वियसली आपको मैंने बता भी दिया हूं कि Realme GT Neo 3 का जो है ना ये रीब्रांडेड वर्जन होगा। यहां पर लॉन्च के हिसाब से दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई है कि OnePlus Ace का जो लॉन्च है वो 21st of April को हमें देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, जबकि जो OnePlus के दूसरे डिवाइसेस है जो अभी लॉन्च होना बाकी है, OnePlus 10R है, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G वर्जन है, OnePlus के Buds ATWS, ये जो है ना दोस्तों 28th of April को हमें लॉन्च में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो OnePlus का लॉन्च होने वाला है। लेकिन जो OnePlus Ace है इसका लॉन्च 21st को होगा, और उसके बाद में दोस्तों हमें पता लगेगा कि भाई ये ग्लोबली लॉन्च होगा कि सिर्फ चाइना में इस वक्त अवेलेबल है। वैसे फिलहाल तो नीज़ ये है कि सिर्फ चाइना में दोस्तों अवेलेबल रहेगी, लेकिन 28th को हमें पता लग जाएगा 21st के बाद में। यस, तो यहां पर गाइस लॉन्च के हिसाब से तो यही न्यूज़ थी। अगर मैं प्राइस के हिसाब से बात करूंगा तो ये डिवाइस कहीं ना कहीं पर मतलब 30,000 तक तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप Realme GT Neo 3 को देखोगे तो वो अराउंड 31,000 का है। ये डिवाइस जो है ना दोस्तों ज्यादातर एक्सपेक्टेशन ये है कि 30,000 का होगा ही होगा। और ये जो 30,000 का डिवाइस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था जब मैंने आपको कैमरा स्पेसिफिकेशंस बताया था कि प्राइस के हिसाब से मुझे कैमरा सही नहीं लगा, तो इसलिए गाइस मुझे जो है ना दोस्तों ये ओवर प्राइस लगा है। Realme GT Neo 3 भी एक तरीके से ओवर प्राइस ही है, डिपेंड करता है भाई आपकी अपनी अपनी चॉइस के ऊपर किसको क्या पसंद है। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस जिस तरीके का कैमरा स्पेसिफिकेशंस इस डिवाइस में मिलता है, अगर ये स्पेसिफिकेशंस कंफर्म्ड हो जाते हैं तो ये एक ओवर प्राइस्ड फोन रहेगा अगर 30,000 में लॉन्च होता है तो। तो गाइस फिर यहीं तक था मेरा वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, आपको ये डिवाइस कैसा लगा, ये OnePlus जो बार बार रीब्रांड करके डिवाइस निकाल रहा है आपको ये कैसा लग रहा है, मतलब प्रोग्राम OnePlus का मुझे जरूर से बताना। मुझे तो यार इतना कुछ खास नहीं लगा, इससे बेटर कंपनी अपने हिसाब से कोई अपना नया यूनिक प्रोडक्ट निकालती तो वो बेटर बात हो जाती थी। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।